Hello students, welcome to the channel Entrance Exam Guide. So friends, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं GJEST Entrance Test के बारे में. आज हम इस वीडियो में GJEST Entrance Test के बारे में हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे. लाइक एग्जाम किस लिए कंडक्ट करवाए जाते हैं, इसकी ऑफिशियल अथॉरिटी कौन है, साथ ही साथ ये एग्जाम अगर आप क्लियर करके क्वालिफाई करते हैं तो कौन से कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलेगा, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करने मिलेगी आज हमें इस वीडियो में. लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूले, ताकि अगर इन फ्यूचर GJEST में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं या फिर कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होती है इसकी, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं GJEST एंट्रेंस टेस्ट के बारे में और डिटेल में जानना. सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे GJEST का फुल फॉर्म देखेंगे. सो GJEST स्टैंड्स फॉर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है. यानी कि गाइस पूरे ऑल ओवर कंट्री से कोई भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है और ये एंट्रेंस एग्जाम जो है वो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है. अब गाइस अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके क्वालिफाई कर लेते तो आप जो है वेरियस अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल सकता है. अब इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है गाइस जो आपको सेटिस्फाई करना जरूरी है, तभी आप लोगों को इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने मिलेगा. लाइक आपका जो ग्रेजुएशन पास रहना चाहिए और उसका कुछ फॉर्मेट इस तरह से रहना चाहिए, 10+2+ यानी कि 10th पास होनी चाहिए आप, फिर 12th और फिर उसके बाद आपका ग्रेजुएशन कम्प्लीट रहना चाहिए और आपके मिनिमम 50% मार्क्स आए हुए रहने चाहिए अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हो, और अगर आप रिजर्व कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके 45% मार्क्स मिनिमम आए हुए रहने चाहिए. बात करेंगे अभी यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की, तो गाइस आप लोगों को जो टोटल टाइमिंग दिया जाएगा वो 1 hour 30 minutes का टाइमिंग दिया जाएगा. 1 hour 30 में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना होगा, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम आपको अलॉट नहीं किया जाएगा. सारे के सारे आपको MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 questions पूछेंगे, सारे के सारे MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही लगे आपको सिंपली वो एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे साथ ही साथ कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहेगी. सो फ्रेंड्स, आई होप कि अभी आप लोगों को GJEST एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा. अगर फिर भी कोई डाउट है या और कोई डिटेल्स आपको जाननी है तो आप मुझे सिंपली डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दिखाई देगी, उस लिंक के थ्रू आप वहाँ पे अपने जो भी डाउट्स है, जो भी प्रॉब्लम है शेयर कर सकते हैं. मैं जरूर आपकी मदद करने की वहाँ पे पूरी पूरी कोशिश करूंगा. और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हुई, वीडियो नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें. थैंक यू फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर.